करके भी पिछले 7 सालों में जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा है तो 50,000 से ज्यादा केमिस्ट्री के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए हैं, इंक्लूडिंग फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। एंड मैं यार अपने एक्सपीरियंस से अब ये इतना बता सकता हूँ आप लोगों को कि यार अगर मेरे सामने कोई भी नीट या फिर जेई का केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है तो यार वो मैं अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अब यार इतने एक्सपीरियंस के बाद ये भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि अगर आपको नीट में 700 मार्क्स के ऊपर जाना है तो आप लोगों को इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे मेजर क्वेश्चन दो आते हैं आप लोगों के कि सर कितने क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं एंड कितने मॉक टेस्ट मुझे पूरी की पूरी जर्नी में देने चाहिए। तो इस दोनों क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में दूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को top 3 मिस्टेक्स बताऊंगा जो स्टूडेंट्स करते हैं अपनी जर्नी में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम नितेश देवनानी एंड वेलकम टू NEET 24/7। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आता है कि सर कितने सवाल मैं कर लूं ताकि मैं नीट में 700 प्लस नंबर ले आऊं। तो बेटा देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, इतने सारे हर साल हम लोग टॉपर्स बेटा लेके आते हैं, 712 नंबर, 715 नंबर इस साल भी स्कोर करा है बच्चों ने। तो बेटा अपने एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोगों ने 10,000 से ऊपर सवाल कर लिए, और ये मैं क्वेश्चन बेटा एक सब्जेक्ट के नहीं बोल रहा हूं, तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, अगर आप लोग 10,000 के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, एंड क्वेश्चन सॉल्विंग का मतलब ये नहीं है कि यार सिर्फ और सिर्फ हम बस क्वेश्चन सॉल्व करे जा रहे हैं, वो 10,000 क्वेश्चन हम लोगों को आते हैं, अगर मैं वहां से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लूं तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाओ, तो अगर हम इस लेवल पर आ जाते हैं तो बेटा आपके 700 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन घुमा फिरा के आप लोगों को वही पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करना है। तो अगर 10,000 सवाल आप लोग अपनी जर्नी में कर लोगे तो बेटा मेरे से लिख के ले लीजिए, आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता है 700 मार्क्स ऊपर जाने से, ठीक है। तो पहला सवाल तो ये रहा, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये रहता है कि सर ठीक है ये जो जर्नी है मेरी इसमें मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस हर कोई बताता है ना, और मैं कितने मॉक टेस्ट दूं ताकि मैं कंफर्टेबल हो जाऊं और नीट के एग्जामिनेशन में मेरे से कोई सिली मिस्टेक नहीं हो, मेरे को बहुत फेमिलियर लगे नीट का एग्जामिनेशन। तो बेटा देखिए अगेन इसका जो आंसर है यार, आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहता है वैसे, है ना। अगर आप मेरे से रेंज पूछोगे सर कितनी मिनिमम रेंज है, अगर मैंने इतने मॉक टेस्ट कर लिए तो मैं अच्छा खासा कंफर्टेबल भी रहूंगा एंड मेरा नीट का एग्जामिनेशन भी बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो उसकी वो जो रेंज होती है वो होती है लगभग 40 से 50, है ना। अगर आप 40 से 50 के ऊपर आप जाते हो तो आप लोग बहुत अच्छी पोजिशन में हो एंड आप लोग 700 नंबर तक लेके आ सकते हो नीट के एग्जामिनेशन में। देखिए बेटा जो टेस्ट सीरीज होती है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है, दो अलग अलग चीजें, एक तो होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप लोग अपने कॉन्सेप्ट चेक करते हो कि यार मैंने कोई कॉन्सेप्ट सीखा, अब मैं उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, तो वहां पे आप लोगों के पास टाइम लिमिट नहीं होती, एक सवाल को आप लोग 2 मिनट 3 मिनट हो सकता है 4 मिनट भी आप लोग देते हो। लेकिन टेस्ट सीरीज होती है जो, उसमें आप लोगों को बेटा टाइम बाउंडेड अप्रोच में क्वेश्चन सॉल्व करने, आप लोगों के पास बेटा बहुत ज्यादा टाइम तो होता नहीं है, आपको 200 मिनट में 3 घंटे 20 मिनट में आपको 180 क्वेश्चंस करने होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को कंबाइन करके, तो आप लोगों के पास ज्यादा समय होता ही नहीं है बेटा, 1.25 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसमें आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ना भी है, क्वेश्चन समझना भी है, सॉल्व भी करना है एंड एक्यूरेटली सॉल्व करना है, गलत नहीं करनी है हम लोगों को उस 1.25 मिनट में जो हमको टाइम मिल रहा है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। बेटा आप लोगों के जो मॉक टेस्ट है, जो टेस्ट सीरीज है, वो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड अगर आप लोगों ने 50 के ऊपर मॉक टेस्ट कर लिए तो उससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाएगा। और यही सारी चीजें बेटा जो हमारा एक्सपीरियंस है वो पूरा एक्सपीरियंस बेटा हम लोगों ने हमारी NVDS में झोंक दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बेटा 12,000 सवाल दे रहे हैं, 62 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हजारों बच्चों के पास ऑलरेडी ये जो बॉक्स है ये डिलीवर हो चुका है, ठीक है। आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं, अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में GNT77 कोड लगा सकते हैं एंड फास्टेस्ट डिलीवरी बेटा आपके घर पर पहुंच जाएगी। एक मैं यार कमेंट देख रहा था, सिक्किम में विदिन 5 डेज हम लोगों ने डिलीवर कर दिया था, तो आप लोग भी बेटा इसमें एनरोल करिए, हजारों बच्चे इसमें टेस्ट दे रहे हैं, आपको पता चलेगा कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो एंड जो टॉप परफॉर्मर्स रहेंगे NVDS के उनको SRG स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा जिन पे उनकी व्हाट्सएप पर मेंटोरशिप और गाइडेंस रहेगी, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि यार जो 3 मेजर मिस्टेक्स हैं जो बच्चा करता है अपनी जर्नी में, सबसे पहली जो मेजर मिस्टेक करता है वो बहुत ज्यादा थ्योरी पे ध्यान देता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस को निग्लेक्ट करता है। आप लोगों को ये नहीं करना है। देखिए बेटा
क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, पहले आप लोगों को थ्योरी समझ में आएगी उसके बाद ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मूव करोगे। लेकिन अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे जो कि आपका थ्योरी होता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान नहीं लगाओगे तो बेटा हम लोग कहीं ना कहीं उस रेस से पीछे होते जाएंगे। तो आप लोगों को अनकंफर्टेबल सिचुएशन जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस है जो आपको रियलिटी बताएगा कि आप लोगों को वो टॉपिक आया है समझ में या नहीं आया उसको फेस करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को करने। सेकंड गलती जो आप करते हो वो है कि अपने आप को टेस्ट नहीं करते हो, अपने आप को मॉक टेस्ट नहीं देते हो, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हैं जहां पे बेटा हजारों बच्चे, जैसे मैं एनबीटीएस की बात करूं तो हजारों बच्चे एक साथ कंपीट करने वाले हैं, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि यार आप लोग कहां पे स्टैंड कर रहे हो। अरे भाई अगर मैं नीट से पहले 8 महीने पहले मैं आपको बता दूं कि यार अभी भाई तेरे 350-400 नंबर ही आ रहे हैं, मेहनत कर और 8 महीने में वो जो नंबर है वो जो 650 के ऊपर जाना है, वो जो 700 हमारा टारगेट है वो हम लोग अचीव कर सकते हैं, आपको राइट मेंटोरशिप मिल जाए, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, तो क्या हम ये जर्नी कवर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोगों को पता होना पड़ेगा, हम जब टेस्ट देंगे ईमानदारी के साथ टेस्ट देंगे और हमें पता चलेगा कि यार अभी तो यार मैं 400 नंबर पर ही हूँ, अभी तो मैं यार 450 नंबर पर हूँ, तभी तो बेटा जो इम्प्रूवमेंट की जर्नी है वो स्टार्ट होगी। नीट का एग्जामिनेशन आपका 15 दिन बाद नहीं है बेटा, नीट का एग्जामिनेशन आपका 8 महीने 7 महीने बाद है। इस जर्नी में आप लोगों को इम्प्रूव करना है, आप कितने भी नंबर पे हो, है ना। मैं तो सभी बच्चों को एक समझिए ऑर्डर की तरह मैं बोल रहा हूँ, जिसने भी बेटा NBTS ली है आप लोगों ने तो आपको उसे ईमानदारी के साथ सारे के सारे मॉक टेस्ट 62 के 62 मॉक टेस्ट सॉल्व करने एंड फिर आप मेरे से लिखवा के ले लीजिए कि आप जिस भी लेवल पे हो, आपके बेटा 300 आ रहे, 350 आ रहे, 400 आ रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप वो जो कट ऑफ है नीट 2025 की जो भी कट ऑफ होने वाली है वो आप क्लियर कर लोगे और 700 के ऊपर भी बेटा आप लोग जा सकते हो, तभी इस डब्बे को हम लोग बेटा मोर देन सफिशिएंट बोलते हैं। तो सेकंड मेजर मिस्टेक आप लोग क्या करते हो कि यार बार जो मॉक टेस्ट है वो आप लोग नहीं देते हो, तो ये हमें करना है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी मिस्टेक है वो आप करते हो, वो आप दूसरे से कंपेयर करते हो कि सर उसके तो देखिए सर 650 मार्क्स आ रहे हैं, मैं तो सर 420 मार्क्स पर ही अटका हुआ हूँ, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। अगर किसी बच्चे के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, किसी बच्चे के 650 आ रहे हैं, 700 आ रहे हैं, तो वो उसके केपेबल है, उसने उतनी पढ़ाई करी है तब जाके वो उस लेवल पर आए। किसी का भी चैप्टर 20 अपने के चैप्टर 1 से हम लोगों को कंपेयर नहीं करना है। हम कंपेयर करते हैं कि शर्मा जी के बेटे का तो सिलेक्शन हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं एंड हम लोग हमारी पढ़ाई रोक देते हैं, पढ़ाई कम हो जाती है उधर, बल्कि ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है। तो हम लोगों को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है, ये हमारी जर्नी है, हमने चूज करा है कि यार हमें डॉक्टर बनना है, हमें नीट का एग्जामिनेशन क्रैक करना है, हम लोग जो टीम है वो आपके साथ है, आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन ये चीज आप लोगों को फॉलो करते हुए चलनी है। मेहनत करिए, पूरे साल भर मेहनत करिए, वो बेटा बातें भूल जाइए कि 2 महीने में नीट क्रैक हो जाएगा, 3 महीने में नीट क्रैक हो जाएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा NBTS, आप लोगों के जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में है, वो कमेंट बॉक्स में GNT77 आप लोग कोड लगा सकते हो, फास्टेस्ट डिलीवरी आप लोगों के घर पर पहुंचा देंगे, ठीक है। आई होप ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, कोई भी डाउट है ये चैनल बेटा आप लोगों का है, कमेंट करिए मुझे बताइए आपके डाउट, ऐसे ही और वीडियोज आपके लिए बन जाएंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेक केयर, बाय बाय।